Hey guys, so in this video I'll be talking about the chapter number 5 of class 11th bio, that is morphology of flowering plants. So let's start. So the first thing is the root. So in root we'll study types of roots, regions of roots, modifications of roots, and in types we'll further study the taproot system and the fibrous root system. So in majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of the radical leads through the formation of primary root. मीन्स डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है, अगर ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है तो डाइकॉट में यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स होंगे, तो एक ये एंड एक ये, मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है. तो अब डाइकॉट एम्ब्रियो में से नीचे की साइड होता है रेडिकल जहाँ से रूट निकलती है, एंड ऊपर की साइड होता है फ्लेम्यूल जहाँ से स्टेम हमारी बनती है. तो ये क्या बोल रहा है, रेडिकल जो है रेडिकल से बनता है प्राइमरी रूट. तो रेडिकल ग्रो करके प्राइमरी रूट बनाएगा, देन उसमें से ब्रांचिंग होकर सेकेंडरी बनेगी, और उसमें से और भी ब्रांचिंग हो रही है तो वहाँ पर उसे हम बोलेंगे टर्शरी रूट्स. The primary roots and its branches constitute the taproot system. So primary branch जिसमें होती है उसे हम बोलते हैं taproot. As seen in the mustard plant, जैसे कि हमें सरसों के पेड़ में दिखती है, तो सरसों की लकड़ी को हम जलाने में भी काम में लेते हैं. सो उनकी जो roots कभी देखी होंगी तो वो taproots होती हैं, बहुत ही बड़ी और thick roots होती हैं. In monocotyledonous plants, तो monocot में हम क्या देखते हैं, the primary root is short lived. तो primary root जो उनकी होती है बहुत short lived होती है. monocotyledonous plant जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लाइक डाइकोट्स में आता है लाइक मैंगो, नीम, ये सब डाइकोट है. मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में आता है गेहूं का पेड़ जो होता है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है. सो उनको ज़्यादा बड़ी रूट्स की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बड़ी थिक रूट्स की. तो यहाँ पे छोटी छोटी रूट्स होती हैं और वो भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जो कि रिप्लेस हो जाती है बाद में फाइब्रस रूट्स से. तो बहुत फाइबर जैसी फैली हुई होती है ये चारों तरफ ऐसे, तो वहीं पर ही अपना ये बना लेती है. एंड मोनोकॉट्स जो होते हैं इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, सही बिल्कुल सर्फेस पर रहती हैं ये रूट्स. बट डाइकोट्स में रूट बिल्कुल डीप में जाती है, क्योंकि नीम का पेड़ कितना मोटा होता है, सो उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो उनकी थिक रूट्स एंड डीप रूट्स होती हैं. देन इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियन ट्री, रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. सो हमने क्या देखा, प्लूम्यूल से स्टेम बन रही है, रेडिकल से रूट बन रही है, एंड दोनों में ही, मोनोकॉट और डाइकोट दोनों में ही. तो मोनोकॉट डाइकोट में हमने टैप रूट्स देखी थी, एंड मोनोकोट्स में उसमें से बनती है फाइब्रस रूट्स. लेकिन कुछ प्लांट जैसे कि मॉन्स्टेरा, बनियन और ग्रास में क्या होता है, ये जो रूट्स होती हैं ये रेडिकल के अलावा बाकी पार्ट्स में से निकलते हैं, मींस स्टेम में से रूट्स ये निकल, मींस स्टेम में से निकल जाती हैं. तो ये बहुत जगह से निकल जाती हैं, हम इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. सो ये इनके नॉर्मल फंक्शन है. मॉडिफिकेशंस, कुछ रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं, तो अब हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं इनके अंदर. सो एक नॉर्मल डायग्राम दिया हुआ है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स हैं, यहाँ पे इसमें फ्रूट्स हैं ये, एंड ये फ्रूट से डेवलप हो जाता है फ्लावर. तो जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं रूट सिस्टम, एंड ऊपर वाला पार्ट हम उसे बोलते हैं शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट आती है, एंड उससे ब्रांचेज जो निकलते हैं हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी रूट. स्टेम जो होती है उसमें नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे नोड है, एक नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे. तो नोड्स में से ही लीव्स निकलती हैं, फ्लावर, फ्रूट, जो भी चीज़ें होती है वो सब नोड्स में से निकलती है. इंटर नोड्स तो एक स्पेस है दो नोड्स के बीच का सिर्फ, ये स्टेम हम इसे बोलते हैं, ये लीव है, इसमें फ्रूट है, फ्लावर्स है. सो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए, ये टैप रूट सिस्टम है, ये फाइब्रस रूट्स है हमारी, एंड ये है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स. तो मीन्स ये स्टेम में से निकल रही है, तो बिल्कुल कहीं से भी किसी भी पार्ट में से निकल सकती हैं. तो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स, और ये दोनों जो हैं ये हमेशा रेडिकल में से ही निकलेंगी. देन अदर रीजन्स ऑफ रूट्स, तो जैसे कि ये हमारी प्राइमरी रूट है, तो प्राइमरी रूट ग्रो करती जाती है, ग्रो करती जाती है नीचे की तरफ, तो यहाँ की तरफ से ग्रो करती है ये, तो ग्रो करती है तो यहाँ पे इसको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये टूट जाएगी. तो यहाँ पे इसके लिए एक रूट कैप प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ की से ही ये ग्रो कर रही है, तो हम इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मीन्स यहीं से ही ग्रो कर रही है. तो सबसे यंग सेल्स जो होंगी इसकी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, देन ये ग्रो करती जाती, तो जैसे तो जो एरियाज के पीछे वाला बच जाता है उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेशन में हेल्प करता है. देन यहाँ पर ये सेल्स थोड़ी सी डेवलप हो गई है, इलोंगेट हो चुकी हैं, अब यहाँ पर बिल्कुल जो सबसे लास्ट में वो बिल्कुल मेच्योर सेल्स होती है, एंड यहाँ से निकलते हैं रूट हेयर्स. तो इसमें तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, रूट हेयर्स सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मैचुरेशन में से निकलते हैं, यहाँ से नहीं निकलते. सो द रूट इज़ कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. तो दिस इज एपेक्स, और एपेक्स पे रूट कैप है. इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल. सो इसकी इसी की हेल्प से ये सॉइल में अपनी जगह बनाती है. सो यहाँ पे इसकी कवरिंग होती है. अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इसके ऊपर ये रूट कैप के ऊपर है ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जहाँ से ये ग्रो हो रही है.
द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म. सो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है ये जहाँ से बनती है हमारा स्टेम जहाँ पे होता है. दे डिवाइड रिपीटेडली द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन. सो ये नीचे एपेक्स है तो उसके ऊपर की तरफ मीन्स प्रॉक्सिमल. मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन. तो प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो अ रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ. सो द लेंथ ऑफ द रूट इज डिपेंड ऑन द रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन. द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. सो व्हेन दे मैच्योर दे आर नोन एज रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड दीज आर प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन. सो प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन दीज आर द मैच्योर सेल्स आर प्रेजेंट. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स. सो दीज आर रूट हेयर्स. दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो दिस इज अ वर्क ऑफ. तो हमने रूट्स का नॉर्मल फंक्शन देखा था, उसका था कि एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. लेकिन ये मॉडिफाई हो जाती है, तो मॉडिफाई होकर क्या करती है ये? रूट्स इन सम प्लांट्स चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के अलावा ये कुछ काम करने लग जाते हैं मॉडिफाई होकर. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. तो कई बार रूट सपोर्ट प्रोवाइड करा देती है, फूड को स्टोर कर लेती है एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. जैसे कि टैप रूट्स हम देखें. टैप रूट्स किस किस में होती है? कैरेट और टर्निप में. टर्निप मीन्स शलजम एंड कैरेट इज गाजर एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पटैटो. सो ये रूट्स जो हैं टैप रूट्स हैं ये इन्होंने स्टोर फूड को स्टोर करके ये रूट्स जो हम गाजर खाते हैं वो रूट होती है और रूट मोटी होकर गाजर बन जाती है, वो फूड को स्टोर करती है. सो कैरेट और टर्निप जो होती है ये टैप रूट से बनती हैं एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पटैटो. एडवेंटिशियस हमने देखा था ये कहीं से भी निकल सकते, किसी भी पार्ट में से. स्वीट पटैटो जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मीन्स इसकी स्टेम ऊपर होती है और वहाँ के जो फाइबर्स होते हैं वो नीचे जाते हैं एंड वहाँ से ही बनती है हमारी स्वीट पटैटो जिसे हम बोलते हैं शकरकंदी. देन गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड. कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? तो हम ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे सकेंगे, जैसे कि हमारी रेडिश है करती है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री आर? सो हम देखते हैं बैनियन ट्री जो होता है बरगद का पेड़ होता है, उसकी डालियों में से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो भी रूट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स. सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज, तो मक्के का जो मक्के की जो स्टेम होती है और शुगर के गन्ने की, हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑन द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. तो गन्ना जैसे कि ये गन्ना है उसमें ऐसे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे नोड्स में से नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर आई हुई होती हैं एंड मक्के के पेड़ में से भी ऐसी आती है, उनको हम बोलते हैं स्टेल्ट रूट्स. देन इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है. राइजोफोरा जो होता है ये स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है, मीन्स हेलोफाइट्स भी हम इनको बोल देते हैं, कि जहाँ पे पानी सॉल्टी वाटर होता है या फिर कीचड़ में मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं. तो कीचड़ में इनको रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, सांस लेने की जगह नहीं मिलती. लाइक सॉइल में तो रूट होती है तो वहाँ पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है लगते हैं, लेकिन पानी में इनको सांस नहीं ले पाते ये. तो ये क्या करते हैं, ऐसे मान लो ये कोई प्लांट की स्टेम है तो नीचे जाके रूट्स ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती हैं वापस, और यहाँ पे इसके में पोर्स होते हैं जिन पोर्स से ये रेस्पिरेशन करते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स. तो राइजोफोरा में न्यूमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पे ये रेस्पिरेशन का काम कर रही है. यहाँ पे हमने देखा कैरेट टर्निप और यहाँ पे ये फूड स्टोरेज का काम कर रही थी. जैसे कि हम एग्जांपल दे रखे हैं, ये एस्पैरागस है, टर्निप, शलजम, कैरेट, शकरकंदी एंड दीज आर द न्यूमैटोफोर्स. तो ये ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं. एंड स्वीट पटैटो में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो कि स्टेम्स का मॉडिफिकेशन है ये, एंड ये दोनों टैप रूट्स हैं, मीन्स ये रेडिकल से ही बनती हैं. इनकी रूट्स जो होती है रेडिकल से बनती है, वो रूट्स जैसे फूल के ये फूड बनाती है हमारे लिए. देन उसके बाद आता है स्टेम. सो स्टेम में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर एंड इसके मॉडिफिकेशन. सो वॉट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? सो हम रूट और स्टेम को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? सो द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस, मीन्स ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है. बी एस ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसमें सब कुछ मिलते हैं हमें. और ये किससे डेवलप होता है? प्लिम्यूल से. एंड रूट्स डेवलप होती है रेडिकल से. जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर्स होती है, ऊपर की तरफ प्लिम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है. तो प्लिम्यूल से हमारा स्टेम बनती है ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. इट बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टेम में. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स. तो नोड्स से ही लीव्स निकलती है. फ्रूट कुछ भी ब्रांचिंग जो हो रही है वो हमेशा नोड्स में से होती है. वेल इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स. द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्जिलरी. तो स्टेम जो होती हैं, तो नोड्स जो होती हैं, नोड्स में से लीव्स निकल जाती है. लीव्स के जहाँ से लीव्स और स्टेम अटैच होते हैं वहाँ पर बर्ड्स निकलती हैं, हम उसको बोलते हैं एक्जिलरी बर्ड्स. स्टेम इज जनरली ग्रीन कलर की होती है, यंग होती है तब, लेकिन बाद में जैसे ही वो वुडी हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है.
द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मेन फंक्शन यही है उसमें, लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स रहते हैं स्टेम में मेनली. इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. तो ये इसके मॉडिफिकेशन है. सपोर्ट भी प्रोवाइड करा देती हैं, प्रोटेक्शन भी देती है एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो जाता है इनमें से. तो इसके मॉडिफिकेशन अब देखते हैं हम. सो नाउ कम्स मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इन इट द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी. दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पटेटो, जिंजर, टर्मेरिक, समीकांड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू द स्टोर्ड फूड इन दैम. सो ये सारी स्टेम है. पोटैटो जो होता है हमारा स्टेम होता है, ये स्टेम मॉडिफाई हो जाती है. जिंजर, टर्मेरिक, तो इसमें हम देखेंगे कैसे कि पोटैटो है, पोटैटो में बर्ड्स आती हैं, तो हमें पता है बर्ड्स किस में आती है, स्टेम में ही आती है, तो इसीलिए ये स्टेम का है मॉडिफिकेशन. जिंजर, जिंजर हम देखते हैं उसमें नोड्स प्रेजेंट होती है, ऐसे लाइनिंग प्रेजेंट होती है. सो वो नोड्स और इंटरनोड्स सिर्फ स्टेम में ही प्रेजेंट होती है, रूट में नहीं होती. टर्मेरिक में भी ऐसे ही नोड्स प्रेजेंट होती है. एंड ये इसके और एग्जाम्पल है जमीन कैनन, कोलोकेशिया. स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स. तो मैंने बताया था स्टेम जो होती है उसमें से ही सब, तो स्टेम जो होती है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और नोड्स में से ही सारी ब्रांचेस या स्टेम में जो भी पार्ट आएगा वो हमेशा सभी नोड्स से निकलेंगे. टेंड्रिल्स जो ऐसे ऐसे स्पायरली स्ट्रक्चर्स होती है क्लाइंबिंग के लिए, बेलों में प्रेजेंट होती हैं ये, उनको जहाँ पे भी हम रख देते हैं जैसे दीवार पे चढ़ जाती है तो इन टेंड्रिल्स की हेल्प से चढ़ती है. टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स से एंड आर सिलेंड्रिकल एंड स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज गॉर्ड. जैसे कि क्यूकम्बर होता है, इनकी बेल होती है, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइंस. एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थोन्स. सो ये एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं ये बर्ड सो ये एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं एक तो टेंड्रिल में डेवलप हो सकती हैं और एक ये थोन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. कांटे जो होते हैं वो इन बर्ड्स से ही निकलते हैं. थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस और बोगनविलिया. तो सिट्रस फूड जितने भी, जैसे कि नींबू का पेड़ होता है उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं. बोगनविलिया इसमें भी, इसके में फ्लावरिंग प्लांट होता है ये, इसमें भी बहुत सारे कांटे होते हैं, तो वो कांटे निकलते हैं नोड्स से और नोड्स में भी एक्सिलरी बर्ड पे जो नोड प्रेजेंट होती है उन वो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न्स में. दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. ब्राउजिंग एनिमल्स से बचाती हैं प्लांट्स को, मीन्स जो इनको खा जाते हैं, हर्बीवोर होते हैं तो उनसे बचाती है कांटे से. सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स. एरिड रीजन्स मीन्स जो सूखे में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डेजर्ट वगैरह है, मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड ओपनशिया. तो कुछ प्लांट्स ओपनशिया के जैसे कि होता है, ओपनशिया मीन्स कैक्टस जो होता है, कैक्टस में अपनी एक और स्टेम ही मॉडिफाई कर लेता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना लेता है एक और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स और यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ओपनशिया में. तो अभी तक हम कौन से स्टेम की बात कर रहे थे, ऊपर वाली जो शूट में प्रेजेंट होती है, जो मीन्स हमने अभी तक देखा एक्सिलरी बर्ड से जो डेवलप हो रही थी. एक्सिलरी बर्ड से एक तो टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं. एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये कोई भी स्टेम है तो यहाँ पे नोड है, ये इंटर नोड है, यहाँ पे ये लीफ है, लीफ के यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड डेवलप होता है. तो ये कांटे भी बन सकते हैं इनसे, टेंड्रिल भी बन जाते हैं एंड इस पार्ट से ओपनशिया जैसे होता है तो वो ऐसी एक लीफ लाइक अपने थैलस जैसी ही स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है. तो देखो अभी तक हमने ये पढ़ा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन देखा है, मीन जो ऊपर की तरफ होता है ग्राउंड से ऊपर, तो उसमें टेंड्रिल बन जाते हैं एक्सिलरी बर्ड से. टेंड्रिल किस किस में बनता है, गॉर्ड फैमिली. गॉर्ड फैमिली मीन्स क्यूकम्बर, गॉर्ड, बिटर गॉर्ड, वाटर मेलन. देन थॉर्न किस किस में देखे थे हमने, सिट्रस में और बोगनविलिया में. थॉर्न ऐसे कांटे निकल जाते हैं. देन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नाइक्स एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. तो ये क्या करते हैं, नाइक्स बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रनर्स. जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम मतलब कि जो ग्राउंड पे ऊपर की तरफ होता है, मीन्स बिल्कुल ग्राउंड के पास वाली जो स्टेम होती है उससे इस मॉडिफिकेशन. जैसे कि ये कोई प्लांट है, जैसे कि ये कोई ग्रास है, तो ग्रास की ऐसे रूट स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे ये ग्रो करती है, देन ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है, फिर इसी में से ही ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर ग्रो करती है एंड यहाँ पे एक और बन जाएगा, फिर ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है एंड ये अपना इंडिविजुअल बन जाता है और ये अपना इंडिविजुअल बन जाता है. और इनके नीचे की जो रूट्स होती हैं वो होती है एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही. यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, यहाँ पे जो इसकी ये स्टेम आ रही है स्टेम से ही मॉडिफाई हो रही. सो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी. इन प्लांट्स लाइक मिंट और जैस्मीन, जो चमेली का फूल होता है, अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड. मीन्स आर्च बनती है इसमें, ये ऐसे जंप कर करके इनकी ये ऐसे स्टेम ऐसे बनती है. जैसे कि हम देखें
जैसे कि देखो इसका ये प्लांट यहाँ पे है तो इसकी रूट नीचे से आएगी और ऊपर से एक आर्च बनाएगी, देन फिर यहाँ पे ग्रो करेगी, देन एक और आर्च बनाएगी और फिर वो ग्रो करेगी। सो ये आर्च ऐसे फिर टूट जाते हैं और ये अपना अपना इंडिविजुअल बन जाते हैं। सो इनको हम बोलते हैं स्टोलन्स। ये नाम करने की ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिंट और जैस्मीन में आर्च ऐसे बनती है एंड रूट्स ऐसे ग्रो करती हैं। मेन एक्सिस जो होती है उसके ब्रांच से ऐसे आर्चेस निकलती हैं। देन अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटर नोट्स एंड ईच नोट बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। सो इनमें क्या बताया, ये कि थिक स्टेम होती है एंड इनके इंटर नोट्स बहुत छोटी होती हैं एंड बहुत ही अच्छे अच्छे इनमें सुंदर बहुत फ्लावर्स होते हैं और ये एक्वेटिक होती हैं, मीन्स ये पानी में उगते हैं। तो इनमें क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी बहुत मोटी मोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इंटर नोट्स बहुत छोटी छोटी होती हैं एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल आते हैं। और ये जो होते हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं क्योंकि स्टेम की मॉडिफिकेशन है। सो इनके एग्जाम्पल हैं इकॉर्निया जो कि इसके एग्जाम्पल है इकॉर्निया जो कि एक वाटर हियासिंथ है, मीन्स टेरर ऑफ बंगाल भी इनको बोला जाता है क्योंकि इनके इनके ये फ्लावर्स जो हैं इनके इतने अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका बीज लगा दिया उधर पानी में और ये इतनी जल्दी स्प्रेड होता है, इसने पूरी पानी की परत ही ढक दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, नीचे वाले जो भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। सो उसकी वजह से वो सब डेड हो गए। सो दिस इज़ कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। और ऐसी थिक रूट्स और शॉर्ट इंटरनोड वाली रूट्स को हम बोलते हैं ऑफसेट्स। सो ऑफसेट से क्या होता है, अपसेट हो जाते हैं हम, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे टेरर ऑफ बंगाल इकॉर्निया, यहाँ पे इसके दो एग्जाम्पल है इकॉर्निया एंड पिस्टिया। देन इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम द लिटल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लीकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑब्लीकली ग्रो करती हैं ये जो मेन स्टेम है, ये इसकी मेन स्टेम है, यहाँ से ऑब्लीकली ऊपर की तरफ रूट्स आती हैं एंड वहाँ से अपना ये एक और प्लांट बना लेती है। स्टेम का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है पाइनएप्पल क्रिसेंथेमम और बनाना। तो इसको हम याद कर लेंगे पीसीबी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पाइनएप्पल क्रिसेंथेमम एंड बनाना, दीज आर द सक्कर्स, इन्होंने हमारी लाइफ सक्कर रखी है पीसीबी ने, ठीक है।